एनएम न्यूज। सबका मालिक एक है का संदेश देने वाले साई बाबा के दर्शन आज हम करने जा रहे हैं, तो चलिए शुरू करते हैं दिलशुभ नगर साई बाबा की यात्रा। भारत सदियों से देवों और संतों की भूमि मानी जाती है। इस देश में समय समय पर कई संतों ने ज्ञान का प्रकाश फैलाया है। शिरडी के साई बाबा भी अवतारी पुरुष के रूप में पूजे जाते हैं। जानकारों का मानना है कि साई बाबा का जन्म महाराष्ट्र के पाथरी गांव में वर्ष 1838 के दौरान हुआ। शिरडी साई बाबा सबसे लोकप्रिय धार्मिक और आध्यात्मिक संतों में से एक हैं, जिनके सभी धर्मों के अनुयायी और शिष्य हैं। कहते हैं साई बाबा को सबसे पहले शिरडी में 16 साल की उम्र में देखा गया था। तब से शिरडी साई बाबा का मुख्य धाम है और हर साल लाखों लोग साई बाबा के दर्शन के लिए इस दिव्य क्षेत्र में आते हैं। अपने भक्तों को नैतिक और आदर्श जीवन का मार्ग दिखाने वाले शिरडी के साई बाबा की चमत्कारी शक्तियों के बारे में बहुत सी कथाएं हैं, पर साई बाबा के पूजन के लिए गुरुवार का दिन सर्वोत्तम माना जाता है। वही साई बाबा का उपवास कोई भी कर सकता है। साई बाबा जात पात या कोई भी भेदभाव में नहीं मानते थे। उनका कहना था सबका मालिक एक। देश विदेश में लाखों श्रद्धालुओं की श्रद्धा का केंद्र रहने वाले साई बाबा का मुख्य मंदिर जहां शिरडी में है, तो वही हैदराबाद में स्थित साई बाबा का मंदिर दक्षिण के शिरडी के रूप में लोगों की भक्ति का स्थान बना हुआ है। हैदराबाद के नामपल्ली रेलवे स्टेशन से तकरीबन 9 किलोमीटर और शमशाबाद हवाई अड्डे से लगभग 23 किलोमीटर की दूरी पर स्थित दिलशुख नगर में साई बाबा का ये पवित्र धाम है। लगभग शिरडी के साई मंदिर के समान ही नजर आने वाले इस दिलशुख नगर के मंदिर में वर्ष 1989 में संगमरमर की मूर्ति स्थापित की गई, जिसके भव्य दर्शन वर्तमान समय में भक्तगण प्रतिदिन कर सकते हैं। इससे पूर्व स्थापित मूर्ति के भी दर्शन यहाँ कर सकते हैं। हैदराबाद विजयवाड़ा महामार्ग के निकट स्थित इस देवालय में सिर्फ गुरुवार ही नहीं प्रतिदिन भक्तों का आना लगा रहता है। कई बार किसी कारणवश जो भक्तगण शिरडी नहीं जा पाते, वो यहाँ दिलशुख नगर में साई बाबा के दर्शन कर संतुष्ट होते हैं। भक्तों का मानना है कि साई बाबा उनकी मन्नतें अवश्य पूरी करते हैं। अभी हमारे साथ यहाँ एक भक्त है, तो आइए उनसे जानते हैं इस मंदिर को लेकर उनकी क्या भावनाएं हैं। आप हमें बताइए कि इस मंदिर को लेकर आपकी क्या भावनाएं हैं और आप यहाँ कब कब आते हैं? हेलो, मेरा नाम शारण्या दुबे है। मैं भी बहुत टाइम के बाद आई हूँ, आफ्टर लॉकडाउन आई हूँ। एग्जैक्टली, लॉकडाउन से पहले आए थे, अब आए हैं वापस। एंड साई बाबा के साथ मेरा स्पेशल कनेक्शन है हमेशा से, एंड उनको मैं बहुत मानती करती हूँ हमेशा से, एंड उनकी मेरे पे बहुत कृपा है। एंड मुझे फील होता है कि साई बाबा है यहाँ पर, वो मौजूद है यहाँ पर। हमारे मदर इन लॉ यहाँ पर आते थे, हमेशा पूजा करते थे उनकी, उसी वजह से हम सब लोगों ने भी आना शुरू किया। बच्चे छोटे से जब थे तब से आ रहे हैं यहाँ पे, और हम लोग यहाँ पे साई बाबा के मंदिर में आके महसूस करते हैं कि साई बाबा है यहाँ पे, उनकी कृपा उनका प्रेम महसूस होता है हम सब लोगों को। तो इस मंदिर में आके हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा। बताइए। मेरे नाम श्राव्या है और मैं CA पास हुई थी 2 दिन पहले, सो यहाँ पे आई हूँ। मैं तकरीबन 20 ईयर्स से यहाँ पे आ रही हूँ। कैसे लगता है आपको यहाँ पे आके? बहुत अच्छा लगता है। कब से आ रही हूँ? 20 ईयर्स से आ रही हूँ, मैं यहीं पे रहती हूँ। आरती होती है ना, तब आती हूँ। मेरा नाम साई चरण है। ये साई बाबा का मंदिर है, ये बहुत प्राचीन मंदिर है, अनेक लोग यहाँ आते हैं, प्रमुख लोग। ये हमारे CM KCR ने बहुत बार यह ये मंदिर विजिट किया है। ये अनेक बहुत प्राचीन मंदिर है, रोज लोग आते हैं। यह आरती बहुत प्राचीन है और प्रमुख है। यह आरती के समय बहुत लोग आते जाते रहते हैं। आपको कैसा लगता है यहाँ पे आके? मैं बहुत खुश रहता हूँ, आज मेरा बर्थडे हूँ, इसलिए मैं यहाँ आता हूँ। इस साई मंदिर में वर्ष 1991 में विस्तार करते हुए पहली मंजिल का निर्माण, वर्ष 1996 में दूसरी मंजिल का निर्माण किया गया और वर्ष 1993 में मुख्य प्रवेश द्वार का निर्माण किया गया। वहीं वर्ष 1994 में साई बाबा को स्वर्ण मुकुट चढ़ाया गया। प्रातः 5 बजे से लेकर रात 9 बजे तक साई बाबा के दर्शन के साथ साथ विशेष पूजा अर्चना भी होती है। यही नहीं, गुरु पूर्णिमा के साथ साथ गणेश चतुर्थी, शिवरात्रि, दीपावली, दशहरा, रामनवमी जैसे प्रमुख त्योहारों और अवसरों पर साई बाबा मंदिर में विशेष पूजा और आयोजन होते हैं। इस तरह भक्तों को गुणवत्तापूर्ण सेवा देने के कारण इस देवालय को ISO प्रमाण पत्र देते हुए अंतर्राष्ट्रीय मान्यता भी प्राप्त हुई।
इस साईं बाबा मंदिर में किस प्रकार विशेष पूजा अर्चना होती है, क्या है इनकी विशेषता, आइए जानते हैं यहाँ के पुजारी दत्तात्रेय शास्त्री जी से। अभी हमारे साथ यहाँ के पुजारी जी हैं, तो आइए उनसे जानते हैं इस मंदिर की विशेषताएं। आप हमें इस मंदिर की विशेषताएं बताइए। सतगुरु साईनाथ महाराज की जय। सदानंब वृक्षस्य मूलादिवास सुदाश्राय गणपतमप्यप्रियंतम धर्म कल्पवृक्षादिकं साधयन्तं नमामि ईश्वरं सद्गुरुं साईनाथं। मेरा नाम है दत्तात्रेय शास्त्री। दिलशंकर साई बाबा मंदिर का दक्षिण शिरडी का माना जाता है। जो भी भक्तों नो जो शिरडी जाते हैं उससे अधिक संख्या में ऐसा ही शिरडी का जैसा ही ये दिलशंकर साई बाबा मंदिर में आ सकते हैं। हर दिन का पूजा पाठ सुबह 4 बजे मंदिर खोल के उसमें 5 बजे से काकड़ा हारती शुरू होने के बाद 7 बजे बाबा का अभिषेक होगा। विशेष अभिषेक में सारे भक्त लोगों में आ जाएगा और 7 बजे में बाबा का संस्थान आरती हो जाएगा। संस्थान के बाद बाबा का मंदिर में विशेषता के लिए विशेष अर्चना आशीर्वचन वेद पंडित से आशीर्वचन रहेगा और इसके बाद बाबा मंदिर में अन्नप्राशन हर दिन विशेष साई सत्य व्रतम और सत्यनारायण स्वामी जी का व्रतन चलेगा। इस समय सारे भक्त लोगों ने व्रतम आके व्रतम ने अच्छा से कर सकता है। इसके बाद दोपहर में 12 बजे को बाबा मंदिर में आरती चलेगा। बाबा अखंड आरती मध्यान्ह आरती होने के बाद बाबा का तीर्थ प्रसाद वितरण। इसके बाद जो भी सही भक्तों में लगभग 2000 से 3000 तक सारे भक्त लोग ये मध्यान्ह आरत में शामिल होके बाबा का तीर्थ प्रसाद लेता है। इसके बाद शाम में 6:15 में बाबा मंदिर में संध्या आरती हो जाएगा। संध्या आरती के बाद विशेषता के लिए हर दिन बाबा का नाम स्मरण और बाबा का संकीर्तन भजन रहेगा। इसके बाद 8:30 बजे के बाद बाबा को शेष आरती के बाद बाबा शयनाशन में हो जाएगा। ऐसा हर दिन का विशेष पूजा के लिए बाबा मंदिर में अभी ये तो स्थापना 1989 में पहले बाबा को इधर प्रतिष्ठापन हो गया। जब से अभी तक हर दिन विशेष पूजा गुरु पूर्णिमा के दिन और दशहरा के दिन पवित्रोचक में पूजा हो जाएगा। ऐसे ही हाँ महीने में तीन बार हर एक पौर्णमी के समय चंडी हवन रहेगा। चंडी हवन के बाद संकष्टर चतुर्थी में विशेष गणेश जी का हवन रहेगा शाम में 5 बजे और मास शिवरात्रि के लिए एकादश महान्यास पूर्वक रुद्राभिषेकम हो जाएगा मंदिर में। ये सभी पूजों में भक्त पार्टिसिपेट करके जो भी बाबा का कृपा आशीर्वचन लेके जो भी वो भक्त लोग उसका मन में चाहिए सब कामयाब उसका हो जाएगा। प्रतिदिन और विशेष अवसरों पर होने वाली आरती हो या पूजा अर्चना, बड़ी संख्या में भक्तगण पूरी श्रद्धा से शामिल होते हैं। यहाँ आने वाले सभी भक्तों के लिए निशुल्क भोजन की व्यवस्था भी है। और तो और इस साई संस्था द्वारा कोरोना काल में मरीजों को उनके घर पर ही निशुल्क भोजन उपलब्ध कराया गया। यही नहीं, मंदिर ट्रस्ट की ओर से सभी विशेषज्ञों के साथ निशुल्क चिकित्सा सुविधा भी यहां उपलब्ध कराई जाती है। इसके अंतर्गत फिजियोथेरेपी की सुविधा भी उपलब्ध है। मंदिर ट्रस्ट की ओर से किए जाने वाले सेवा कार्यों को लेकर इनके चेयरमैन का क्या है कहना, आइए जानते हैं। अभी हमारे साथ इस मंदिर के चेयरमैन जी हैं, तो आइए उनसे जानते हैं ये मंदिर कब स्थापित हुआ, कितना पुराना है और यहाँ की विशेषताएं। आप हमें यहाँ की विशेषताएं बताइए और ये मंदिर कितना पुराना है ये बताइए। 30 साल का पुराना है मंदिर है। ये मंदिर पहले एक छोटा बाबा को रखे, थोड़े दिन चला है बाबा का पूजा, बाद में ये लैंड पूरा क्लियर करके यहाँ बड़ा जयपुर से जाके बड़े विग्रह लाके प्रतिष्ठा करे सो है। अभी 27 साल से ये बड़ा विक्रम है इधर और 27 साल से अन्नदान चल रहे इधर। डेली 1500 से 2000 आदमी खाता और गुरुवार का दिन 3000 से 4000 खाता। और अपन जो कोरोना में डेली 2000 आदमी के खाना घर को बेचते थे, सुबह दोपहर में
रात को। और यहाँ मंदिर में क्या है, सीढ़ी में जैसा चलता इधर वैसे सेम पूजा चलता, इसमें चेंज थोड़ा भी नहीं रहता। ये सीढ़ी का मंदिर से हम लोग जो इधर विभूति वहाँ से लाए पहले धुन में रखे, वही धुन अभी तक चल रहे, 27 साल से चल रहे। ये हमारे भगवान का कृपा है, हर एक दिन आदमी बढ़ रहे हैं। ये मंदिर अभी 22 में पूरा रिन्यूअल कर रहे हैं। रिन्यूअल बोले तो ये सीढ़ी में जैसा मंदिर है वैसा पूरा सीन प्लान ला के सेम वैसा मंदिर बना रहे हैं। ये साल में पूरा एक साल के अंदर ऐसा सीढ़ी में जैसा हाल जैसा है वैसे बना के रखने का है 23 में। और हमारी इच्छा है, ये कमेटी का डिसीजन है, हम लोग एक ही निर्णय, जो पब्लिक को सेवा करना सीख लेना और डेली किधर भी गरीबों को खाना बांटना, बाहर जाके गरीबों को शादी करना, हम लोग जिधर भी तकलीफ आए बोले तो साईं बाबा का मंदिर से खाना बेच देता, कोई पब्लिक तकलीफ नहीं आना बोल के भगवान को चाह रहे। सीढ़ी में होटल है, 157 रूम्स है, वहाँ सुबह ब्रेकफास्ट फ्री है, लंच फ्री है, डिनर फ्री है, फ्री सर्विस है, वहाँ कम रेट में रूम दे रहे हम लोग। और फिजियोथेरेपी चलता डेली 150 आदमी की, एक डॉक्टर MD है, फ्री मेडिसिन का लिखता हमारे पास, जो मेडिसिन देता टेस्ट करके भेज देता, डेंटल डॉक्टर है, आयुर्वेदिक मेडिसिन देता। इधर जो सेवा हमारे से होता वो सेवा हम कर रहे हैं पब्लिक का लिए, हम ये सेवा सीढ़ी साईं बाबा का समस्तान से सेवा कर रहे हैं, दूसरे कुछ भी नहीं, इधर एक ही बाबा बाबा बोल के काम करने के लिए हम यहाँ आके सेवा कर रहे हैं। एक ओर भक्ति दूसरी ओर सेवा, इस तरह भक्ति सेवा का संगम बना ये साईं बाबा का मंदिर भक्तों के जीवन के लिए किसी मार्गदर्शक से कम नहीं। बच्चे हो या बड़े, हर किसी को साईं बाबा के दर्शन के बाद एक सुकून का एहसास होता है। बड़ी से बड़ी मुसीबत में भी उम्मीद की किरण नजर आती है, ये उम्मीद हो या भविष्य के सपने, वो पूरे होते हैं। Thank you.